हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं रिपेयरिंग करने वाला हूं। ये देखिए, ये मॉस्किटो बेट है, इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। देखिए, इसका सब कुछ सही है, ये टॉर्च भी जल रहा है और इसका बैटरी भी चार्जिंग ले रहा है, इसका बैटरी बैकअप भी दे रहा है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम है, देखिए ये रेड लाइट जलने के बाद इसमें हाई वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। देखिए, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, देखिए ये कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसका क्या प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा इसका क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसा रिपेयरिंग करते हैं। आप लोग भी आपका घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो ऐसा वाला मॉस्किटो बेट, आप लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं और खुद का पैसा बचा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको खोल लेते हैं। तो इसके पीछे देखिए, ये चार पाँच स्क्रू है, इसको अच्छा तरीके से स्क्रू ड्राइवर में या टेस्टर में खोल लेते हैं। दोस्तों, इसका सारे के सारे स्क्रू खोल दिया हूँ। चलिए, इसका कवर भी खोल के साइड कर देते हैं। इसका क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सर्किट है इसमें टच नहीं करना है। पहले तो इसको क्या करना है, ऐसा शॉर्ट सर्किट कर देना है। कैपेसिटर है तो सेम वैल्यू को आपको लगाना है। सेम वैल्यू को लगाए तो आप लोग का ये जो मॉस्किटो बेट है ये सही तरीके से काम करेगा। तो चलिए, मेरे पास है या नहीं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये मेरे पास और एक दूसरा मॉस्किटो बेट का ये सर्किट था। चलिए, इसका ये वैल्यू दिखा देता हूँ, कैपेसिटर का कितना वैल्यू है। तो जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड, इसका वैल्यू है 223J2 किलो वोल्ट का, उसका जो था वो 333 किलो वोल्ट का है। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर है इससे थोड़ा ये कम वैल्यू का है। तो चलिए, इसमें लगा के ये कैपेसिटर इसमें लगा के देखते हैं कि ये हो पाता है या नहीं। अगर नहीं हुआ तो ये जो कैपेसिटर है इसको इसका सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा। तो चलिए, इसको पहले सोल्डरिंग से निकाल देते हैं फ्रेंड। इसको भी निकाल देते हैं, ये जो कैपेसिटर है। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं ये किस तरीके से फट गया है। तो दोस्तों, चलिए ये वाला कैपेसिटर को सेम जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों, एक कैपेसिटर को मैंने फिक्स कर दिया हूँ उसका जगह पे। तो चलिए, दो वायर को जोड़ देते हैं, जो वायर खोल गया था इधर। तो जो येलो वाला वायर खोल गया था इसको भी मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ। उसके बाद देखते हैं इसमें ये हाई वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है फ्रेंड। दोस्तों, इसका जो सर्किट वगैरह पूरा फिटिंग कर दिया हूँ, उसके बाद इसको टेस्टिंग करते हैं। तो इसके पहले ये कवर को लगा देते हैं, क्योंकि ये जो हाई वोल्ट का इसमें करंट है, कुछ भी करंट वगैरह नहीं लगे, इसीलिए इसको टेस्ट करने के लिए इसको अच्छा तरीके से इसको लगा देता हूँ फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। तो देख पा रहे हैं ये सही हो गया है अभी। दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं ये अच्छा तरीके से रिपेयरिंग हो गया है और वर्क भी अच्छा तरीके से कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका घर में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो मॉस्किटो बेट का आप लोग फ्री में रिपेयरिंग कर सकते हैं छोटा मोटा चीज़ लगा के। तो फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें फ्रेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।